सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा सुमित्रानंदन पंत राजकीय संग्रहालय जो है कौसानी में। दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म बागेश्वर जिले के कौसानी में हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी को। तो जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। यही उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख दिया। 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ये है सुमित्रानंदन पंत जी की वीथिका। किताबें हैं जो हमने किताबों में पढ़ रखा है इनका नाम, तो आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, तो आपको भी कभी मिले तो अवश्य आएगा। 1961 में पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित हुए और 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ। 28 दिसंबर 1977 को उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों ये जो टेबल है ये सुमित्रानंदन पंत जी की है, और ये चेयर है उनकी जो उन्होंने ये यूज किए हुए हैं, और ये हैं उनके वस्त्र, ये देखिए दोस्तों ये जो कोट है, और ये है उनका चश्मा। तो जो पंत जी को सम्मान मिला है, और ये बुक्स रखने के लिए, और ये भी उनका मुख्य, ये हैं पंत जी मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट, और ये हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, ये हैं सुमित्रानंदन पंत जी, और ये हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, श्री अमिताभ बच्चन जी के पापा भगवती चरण वर्मा, और साथ में सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कभी समुदाय तो ये है फोटो आनंद भवन इलाहाबाद की, और ये जो बीच में है ये है हमारे जो हमारे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और ये हैं उनके बगल में सुमित्रानंदन पंत जी। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ एक एक चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपकी सबसे पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, और उनके बगल में हैं पंत जी, ये हैं युवावस्था में पंत जी, तो ये हैं युवावस्था में सुमित्रानंदन पंत जी, दिखने में बहुत ही स्मार्ट हैंडसम, और ये हैं सुमित्रानंदन जी की फोटो बच्चन परिवार के साथ, और ये हैं पंत जी हैं, और इधर हैं अमिताभ बच्चन जी, और ये हैं अमिताभ बच्चन की माता जी तेजी बच्चन, और ये हैं उनके फादर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, और ये हैं अमिताभ बच्चन जी के भाई, और ये हैं अजिताभ बच्चन जी। तो दोस्तों काफ़ी सारी यहाँ फोटोज़ हैं, और आपको मौका मिले तो अवश्य आएगा यहाँ, ये आपको हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। नंदन पंत जी आजीवन ब्रह्मचर्य रहे, और ये हैं उनकी बहन शांता, और इन्होंने एक लड़की को गोद लिया, तो इनका नाम है सुमिता जोशी। सुमिता जोशी जी अभी दिल्ली में रहते हैं, हैं महादेवी, और ये हैं महादेवी वर्मा जी और पंत जी, और ये हैं पंत जी जब इनकी उम्र थी 14 साल, और ये हैं शिशु अवस्था में पंत जी अपने परिवार के साथ, और ये अपनी माता के गोद में नहीं हैं, और इनके जन्म के 6 घंटे के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, तो ये इनकी माता जी नहीं हैं, और ये हैं इनकी बुआ जी और परिवार के लोग, और ये हैं पंत जी के मामा मथुरा दत्त जोशी जी, और ये हैं पंत जी के 3 भाई, और ये हैं पंत जी जब इनकी उम्र थी 7 साल, और ये हैं सुमित्रानंदन पंत जी के पापा जी, और इनका नाम गंगादत्त पंत, और ब्रिटिश काल में ये चाय फैक्ट्री के मैनेजर थे। ये जो घर है ये इनको ब्रिटिश सरकार ने दिया था। इनका जो गांव है यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है पैतृक गांव, तो उनका गांव का नाम है सुनरा कोट, और ये कोसी से ऊपर पड़ता है होलबाग के आसपास, और ये हैं साथ में रामधारी सिंह दिनकर, ये है
पंत जी का घर, जहाँ इनकी जो है इनकी जन्मस्थली। और ये है दोस्तों पंत जी की जन्मस्थली, और अभी इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, तो जितनी सारी चीजें हैं वो यहाँ लगाई जाएंगी। यही तो दोस्तों, दोस्तों ये है पंत जी का घर। अच्छा ये, और ये था उनका अध्ययन कक्ष, स्टडी रूम। आप देख नहीं पाएंगे, कभी आपको मौका मिलेगा, तो अभी इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, तो यहाँ जो बच्चन जी की हैंड राइटिंग है वो सारी चीजें यहाँ लगाई जाएंगी। ये है फायर प्लेस, जहाँ आग जलाते थे। तो दोस्तों इस कमरे में हुए थे पंत जी पैदा। बाद में लेगी यहाँ उनकी जन्म कुंडली, और यहाँ भी है फायर प्लेस, और अभी यहाँ रिपेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पंत जी की जितने भी किताबें हैं वो सारी यहाँ रखी जाएंगी। हाँ, और ये सारा उनका जितना भी सामान है वो सारा यहाँ रखा जाएगा। तो बहुत ही अच्छा बना रखा है यहाँ। और ये है के एन कांडपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और इन्होंने मुझे सारी यहाँ एक एक चीज़ दिखाई, और तो मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से आप तक भी ये चीज़ें पहुँचाऊँ, और कभी मौका मिले तो अवश्य आइएगा आपको। अभी यहाँ काफ़ी चीज़ें और चेंज होनी बाकी हैं, तो और देखने के लिए भी कौसानी तो बहुत ही एकदम मस्त, और आपने किताबों में कभी पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, इसे इंडिया का स्विट्जरलैंड कहते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया महात्मा गांधी जी ने बोला था, और यहाँ से हिमालय के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्त और एकदम ज़बरदस्त दर्शन। ये देखिए क्या मस्त दिख रहा है हिमालय पर्वत, और अभी आसमान में बादल लगे हैं, और वहाँ भी बादल लगे हैं तो अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो आपको मौका मिले तो अवश्य आएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, पहाड़ की ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सुमित्रानंदन पंत जी के संग्रहालय, और जहाँ उनका जन्म हुआ था वो कमरा दिखाया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, पहाड़ की ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों कौसानी से क्या मस्त और खूबसूरत नज़ारा हिमालय पर्वत का, और अभी थोड़े बादल लगे हैं आसमान में तो उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, नमस्कार।